पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी विधायक अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का प्रजातंत्र से विश्वास उठ गया है जो वो इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिव्यू मीटिंग करना अच्छी बात है, अगर रोना हो तो सब इकट्ठे बैठकर रोए, अकेले रोने से क्या फायदा। साथ ही उन्होंने सीएम पद को लेकर कहा कि मैंने आज तक पार्टी के सामने कोई डिमांड नहीं रखी। अच्छी बात है, समीक्षा करनी चाहिए और अगर रोना है तो इकट्ठे बैठ के रोए, कल्ले कल्ले के रोते हैं इकट्ठे बैठ के रोए, अच्छी बात। राहुल गांधी जी का मुझे लगता है कि प्रजातंत्र से भरोसा उठ चुका है जो वो इस प्रकार की शब्दालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो यही इशारा कर रहे हैं कि जैसे उनकी दादी ने संविधान की धज्जियां उड़ा के इमरजेंसी लगाई थी, अगर कभी उनको मौका मिल जाए तो वो भी ऐसे ही कुछ करना चाहते हैं। पर राहुल गांधी जी, अब ये 1975 वाली जनता नहीं रही, ये 2024 की जो जनता है, अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तुम्हारे ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। ये देश प्रजातंत्र से चलेगा, जैसे तानाशाही से नेहरू गांधी परिवार ने इस देश को चलाकर इस देश का बट्टा बताया है, तो मैं दोबारा करने नहीं दिया जाएगा। देखिए लोग हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, परंतु मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं। मैंने कभी पार्टी के सामने कोई डिमांड नहीं रखी, मैंने कभी कुछ मांग के नहीं दिया। मैंने तो आज तक अपने घर में भी मांग के रोटी नहीं खाई, मुझे दे देते हैं मैं खा लेता हूं, नहीं तो मैं नहीं खाता। मांगता तो मैं किसी से नहीं, केवल एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था कि अनिल विज बनना नहीं चाहता, मैंने केवल उसका क्लैरिफिकेशन किया। कहीं मुझे तो कभी किसी ने कहा ही नहीं, कोई कहेगा तो मेरा इनकार नहीं है, मैं तैयार हूं और मैं अगर मुझे मौका देंगे तो मैं हरियाणा को देश का नंबर 1 प्रदेश बना दूंगा।